नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ में भीषण जाम में एम्बुलेंस फंस गई। राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तेज बारिश के बीच पार्क रोड हजरतगंज से मुख्यमंत्री आवास तक भीषण जाम लगा रहा। तेज बारिश में स्कूली बच्चों सहित कई लोग बुरी तरह फंसे रहे। भीषण जाम में सिविल अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंस भी फंसी रही। हरिद्वार कनकल हाईवे पर दो स्कूटरों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें दो कांवड़ियों की मौत हो गई है। तीन कांवड़िए घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। कनकल थाना के कार्यवाहक एसओ अभिनव शर्मा ने बताया कि रात कनकल थाना क्षेत्र में हाईवे पर गंगा रिवेरा होटल के पास दो स्कूटरों की भिड़ंत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 15 जुलाई 2022 को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलन की महिला के साथ पुलिस प्रशासन और सीआईएसएफ द्वारा छीना झपटी मामले और महिलाओं को थाने में रखे जाने के विरोध में शासन और प्रशासन का पतला दहन किया गया। बता दें कि इन दिनों चमोली के हेलंग में ग्रामीण महिलाओं के साथ पुलिस और सीआईएसएफ के बीच छीना झपटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार को लेकर भी लोगों में खासा नाराजगी है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबेबाजी चुनौती की घटनाओं से जनता त्रस्त हो गई है और पुलिस मस्त है। घटनाओं पर अंकुश और अपराधियों में खौफ भरने में कोतवाल पूरी तरह से नाकाम है। बैंक से 90,000 रुपए की रकम निकाल कर चौराहे पर फल ले रहे युवक के झोले से अज्ञात चोर ने पैसे पार कर दिए। पीड़ित ने घटना की शिकायत कोतवाली में जाकर की है। विधुरा कोतवाली क्षेत्र के व्यस्तम भगत सिंह चौराहे की घटना। आगरा पहुंचे गौरांश आगरा कैंट स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आगरा कैंट से भगवान टॉकीज तक रोड शो निकाला गया। गौरांश आगरा का शमशेरा है। गौरांश रणवीर कपूर के साथ फिल्म शमशेरा में मुख्य किरदार में है। 22 तारीख को श्री टॉकीज में 12 बजे फिल्म का प्रमोशन होगा। औरैया में करंट लगने से एक ही परिवार के दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। दो लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। घर के बगल में लगे बिजली के खंभे से घर में करंट उतरा। देर रात करंट लगने से घायल हुए चार लोगों को बिधुना सीएससी में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान ससुर और बहू ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों का रोकर बुरा हाल है। बिल्ला थाना क्षेत्र के दौलतपुर गाँव का यह पूरा मामला। औरैया में स्कूली बच्चों का आतंक देखने के लिए मिला है। कॉलेज के समीप छात्रों के बीच रोड पर लड़ाई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। अज्ञात कारणों से एक छात्र को बेल्ट, घूंसे और थप्पड़ों से मारते दिखे स्कूल के कई लड़के। औरैया कोतवाली क्षेत्र की घटना। बुलंदशहर में प्रशासन द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत लापता 9 वर्षीय बच्चे को सकुशल ढूंढ लिया गया और उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। वादी ताली पुत्र समीम निवासी गली नंबर 9-3 शांति नगर भून थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर दी गई सूचना। सूचना में बताया गया कि 9 वर्षीय बच्ची 19 जुलाई 2022 को शाम के समय घर से बाहर खेलने के लिए गई थी। खेलते खेलते कहीं चली गई, जो घर पर नहीं आई, जिसको काफी तलाश किया गया लेकिन नहीं मिली। इसके बाद तत्काल थाना कोतवाली नगर में बच्चे के गुम होने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया। श्रावस्ती में ससुराल से प्रताड़ित महिला थाने पहुंच गई। तहरीर देकर महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। पति पर बेल्ट से पिटाई और गर्म तेल से जलाने का आरोप लगाया है। 5 साल पहले महिला की शादी हुई थी। कोना पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। योगीराज में भी न्याय के लिए दर बदर ये महिला भटक रही है। कोना थाना अंतर्गत आजाद नगर मोहल्ले का एक पूरा मामला। श्रावस्ती में संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। नगरपालिका परिषद भिंगा के संविदा कर्मियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते 4 महीनों से संविदा कर्मियों को मानदेय नहीं मिला। मानदेय न मिलने से भुखमरी के कगार पर परिवार है। कई बार आश्वासन के बाद भी मानदेय नहीं दिया गया। अधिशासी अधिकारियों के कार्यालय का भी घेराव किया गया। श्रावस्ती में समस्याओं को लेकर पावर हाउस ग्रामीण पहुंचे हैं। बार बार ट्रांसफार्मर के जलने से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों ने लाइनमैन पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। ट्रांसफार्मर जलने से इलाके में अंधेरा फैला रहता है। बरसात में सांप बिच्छू ग्रामीणों को शिकार बनाते हैं। ग्रामीणों ने 25 केवी की जगह 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। कॉर्नर ब्लॉक अंतर्गत चौकेबाज ग्राम पंचायत का एक पूरा मामला। समस्या है विद्युत विभाग की जो है ग्राम पंचायत कोना देहात स्थित चौबेजोर वीरपुर रोड की समस्या है। वहाँ पे आए दिन जो है ट्रांसफार्मर जल जाता है, जबकि कई बार इसकी शिकायत जेई साहब से भी की गई। वहाँ पे जो लाइनमैन है वो केवल अवैध वसूली करता है और काम कुछ नहीं करता, केवल अवैध वसूली करता है। ना तो जेई सूचना देगा, ना एसडीओ को बताएगा। कोई समस्या है तो उसको बताना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी है। और वहाँ पे केवल मोहल्ले में वसूली करेंगे, वसूली करने के बाद में लाएंगे 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगा देंगे। वो लगा ना लगते देर, ना जलते देर।
वहाँ पे आए दिन समस्याएं आ रही हैं। और पूर्व में जो है तीन बार बरसात के मौसम में, गर्मी मौसम में तीन चार बच्चों को सांप काट लिया था, वो पहले की बात है, एक लगभग एक साल पहले बात है। श्रावस्ती में बरसात के मौसम में सांप बिच्छू का आतंक लगातार बरकरार है। बिलों से निकलकर आम जनमानस को शिकार बना रहे हैं। बीती रात युवती और महिला को सांप ने डस लिया। गंभीर हालत में दोनों को सीएससी कॉनर में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर महिला सीएससी कॉनर से बहराइच रेफर की गई। कॉनर इलाके के अलग अलग क्षेत्रों का ही पूरा मामला। हरिद्वार विधायक ने दो अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने दोनों अधिकारियों के विरुद्ध डीएम को पत्र लिखा है। डीएम से मामले में जांच और कार्रवाई किए जाने की बात कही है। विकासखंड बरखनी और हरपालपुर में तैनात रहे अवर अभियंता आईएएस दीपक राजपूत पर गंभीर आरोप लगे हैं। विधायक ने कहा कि जेई ने धनुकाही की है, उसमें उनके नाम का भी उल्लेख, छवि खराब की है। विधायक ने हरपालपुर में तैनात अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा अतुल राय पर भी गंभीर आरोप लगाए। गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बढ़ते डायरिया के प्रकोप के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर सुनीता चौफाल रतूड़ी पहुंची और अभी सभी डॉक्टरों के साथ विभिन्न प्रकार की जानकारी है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर सुनीता चौफाल रतूड़ी ने कहा कि गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार डायरिया फैल रहा है, इसलिए वो आज खुद गदरपुर पहुंची है और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनीता चौफाल रतूड़ी ने कहा कि गदरपुर के स्वास्थ्य केंद्र में सभी सुविधाएं पर्याप्त हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।